राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से निवेशक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर यानी सोमवार को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट का आगाज करेंगे। समिट से पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर दिखाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, क्योंकि समिट से पहले जयपुर की बदहाली को छुपाने के लिए पर्दे लगाए जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को जयपुर की गंदगी, कच्ची बस्तियां और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट ना दिखे। दरअसल राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री खुद अब तक जयपुर शहर का 3 बार निरीक्षण कर चुके हैं। उन्हें अपने दौरे में गंदगी और अव्यवस्थाएं नजर आई, उन्होंने इसे सुधारने के निर्देश दिए। तब जाकर कहीं नगर निगम की आंख खुली और नगर निगम प्रशासन की ओर से आनन फानन में उन जगहों पर पर्दा डाला जा रहा है। सड़कों के दोनों ओर कचरे के ढेर लगे हैं। ओपन डिपो भी खत्म नहीं किया गया है, ये भी कचरे से भरे पड़े हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जितने भी आरबीओ और फ्लाईओवर ब्रिज है उनके नीचे गंदगी फैली हुई है। इन्हें ढकने के लिए निगम ने सफेद और हरे रंग के पर्दे लगा दिए हैं, ताकि शहर की गंदी छवि निवेशकों से छुपाई जा सके। इस बीच सवाल नगर निगम के साथ साथ सरकार पर भी है, क्योंकि सरकार इस समिट की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रही थी और ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। लेकिन समिट शुरू होने से एक दिन पहले तक भी अगर प्रदेश की राजधानी में सफाई तक सही से नहीं हो सकी है, तो इससे सवालिया निशान तो खड़े होंगे ही।